iPhone 13 Apple का वन ऑफ द मोस्ट फेमस डिवाइस है जो कि लास्ट ईयर Apple की सेल में 48,000 का बिका था और इस वाली सेल में भी ये 42-43,000 रुपीस का बिका है। इससे पहले जब Apple ने iPhone 14 को रिवील किया था तब मेरा रिएक्शन था ये क्या बना दिए हो। ट्रस्ट मी एग्जैक्टली सेम फोन है iPhone 13 एंड 14, सिर्फ गिनती के 4-5 छोटे मोटे अपग्रेड्स मिलते हैं आपको इसके कंपैरिजन में। लेकिन जैसे ही 2023 में iPhone 15 अनाउंस हुआ भाई उसने पूरी की पूरी गेम पलट दी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपके पास iPhone 13 पहले से है तो क्या आपको iPhone 15 में स्विच करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप मेरे वीडियोस पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हो तो मैं हमेशा बोलता हूं कि भाई एटलीस्ट 2 सालों के बाद अपना फोन चेंज करना चाहिए। तो भाई 13 के केस में 15 आ चुका है 2 सालों बाद, क्या इस फोन में अपग्रेड करना चाहिए या फिर नहीं, लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब देखो इस वाली वीडियो में हम सिर्फ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है 15 में एज कम्पेयर टू iPhone 13। अब अगर आप iPhone 13 पहले से यूज कर रहे हो और iPhone 15 को अपने हाथ में उठाते हो भाई ये फोन ज्यादा पतला लगता है, ज्यादा हल्का फील होता है और ओवरऑल इनहैंड फील आपको ज्यादा प्रीमियम मिलती है क्योंकि इसमें छोटे मोटे टेक्निकल चेंजेस किए गए हैं। अगर दोनों को दूर से देखोगे तब तो बिल्कुल सेम से दिखते हैं लेकिन जैसे ही हाथ में उठाते हो काफी बड़ा डिफरेंस फील होता है। सबसे पहला चेंज है कि इसकी जो एजेस है इसको हल्का सा राउंडेड कर दिया गया है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको मैट टेक्सचर वाला बैक मिलता है विद ग्लॉसी कैमरा मॉड्यूल। और पहले क्या होता था कि कैमरा मॉड्यूल आपको मैट टेक्सचर वाला मिलता था और ये जो पूरा बैक ग्लास है ये आपको ग्लॉसी मिलता था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हल्के फुल्के फिंगरप्रिंट लगते थे। यहाँ पे फिंगरप्रिंट का कोई टेंशन नहीं है। सीरियसली इस फोन को एक बार हाथ में उठा के देखो, इनहैंड फील बहुत ज्यादा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू iPhone 13। बाकी अगर ओवरऑल फ्रेम की बात करो तो वो आपको सेम ही मिलता है, बिल्ड क्वालिटी आपको सेम ही मिलती है, कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। और हाँ, iPhone 15 में आपको एक्शन बटन नहीं मिलता है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि iPhone 15 में एक्शन बटन है लेकिन भाई वो सिर्फ प्रो सीरीज में है। इसके अलावा भाई दोनों के वेट में फर्क है, 15 सादा हल्का है। आगे बढ़ने से पहले थैंक्स टू आज के हमारे स्पॉन्सर ड्यूरासेल एल्कलाइन बैटरी। ये एल्कलाइन बैटरीज मार्केट में मिलने वाली दूसरी कार्बन जिंक बैटरी से ये कहीं ज्यादा पावरफुल और कहीं ज्यादा कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। इन बैटरीज को आप किसी भी डिवाइसेस में यूज कर सकते हो और मैं पर्सनली अपने सारे गैजेट्स के लिए ड्यूरासेल AA और AAA बैटरीज को ही यूज करता हूं। इसकी अच्छी बात यह है कि आप इसको टीवी के रिमोट से लेके हाई एंड माइक में भी यूज कर सकते हो और अगर आप इसको 10 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में रखते हो तो इसको आप 10 साल तक स्टोर करके रख सकते हो, इसमें कोई भी डैमेज नहीं होगा। और ये दूसरी बैटरीज की तरह लीक भी नहीं होती है और ये AA और AAA दोनों ही साइजेस में अवेलेबल है। इसका प्राइस भी सिर्फ 22 रुपीस पर बैटरी है जिसको अगर इसकी लाइफ से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब चलते हैं वापस वीडियो की तरफ। अब एक और बड़ा चेंज जो कि फिजिकली आपको देखने को मिलेगा वो है भाई टाइप सी पोर्ट। तो हाँ भाई टाइप सी आता है तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत एडवांटेजेस के साथ ही आता है। जैसे कि आप टाइप सी वाली केबल से अपने फोन को चार्ज कर सकते हो जिससे आप अपने एंड्रॉइड फोन को या फिर आईपैड को मैकबुक को चार्ज करते हो, सेम केबल इस पे लगा सकते हो। नंबर 2, टाइप सी वाली केबल कनेक्ट करके अगर आप लाइटिंग वाली केबल कनेक्ट करते हो यानी कि इन दोनों फोन्स को आपस में कनेक्ट करते हो तो आप चार्जिंग शेयर कर सकते हो। इवन आप अपने एयरपॉड्स एप्पल वॉच को चार्ज कर सकते हो जो कि मेरे सबसे कई लोगों के लिए काफी एडवांटेज हो जाता है। ये तो था दोनों का इन एंड फील। अब जैसे ही इन दोनों फोन्स को आप टर्न ऑन करते हो 13 में आपको मिलता था वही पुराना वाला नॉच, यहां मिलता है आपको डायनामिक आइलैंड जो कि 14 प्रो सीरीज या फिर 15 प्रो सीरीज में मिलता है। और ये जो नॉच वाले आईफोन्स है ये आपको कोई भी यहां पे प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाते हैं, यानी कि यहां पे जो नॉच है एकदम यूजलेस है। लेकिन ये जो डायनामिक आइलैंड है ये डेफिनेटली इस यूजलेस स्पेस को काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करता है, एनिमेशंस प्रोवाइड करता है जिससे आपको पता चलता है कि भाई आप कोई इंस्टा स्टोरी डाल रहे हो या फिर अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहे हो वो आपको डायरेक्ट शो कर देता है। यहाँ पे किसी को कॉल लगाया हो, सामने वाले ने कॉल उठाया तो यहाँ पे आपको शो कर देगा। इसको एक छोटे से डॉक की तरह भी यूज कर सकते हो जिससे आप भाई म्यूजिक वगैरह चेंज कर सकते हो, तो डेफिनेटली ये एक अच्छी यूटिलिटी हो जाती है एज कम्पेयर टू इस नॉच के। और एप्पल ने इस डायनामिक आइलैंड को नॉन प्रो सीरीज में देख के मुझे काफी ज्यादा शॉक कर दिया है बिकॉज वो ऐसा करता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी तक इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट नहीं आया है जो कि भाई एप्पल को काफी पहले दे देना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो भाई क्योंकि अब बात निकली है डिस्प्ले की तो चलो आप ओवरऑल डिस्प्ले के इंप्रूवमेंट्स की बात कर लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस मिलते हैं इनमें। अब देखो इसके डिस्प्ले में जो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट मिला है इसकी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि है ये डायनामिक आइलैंड। और ये डायनामिक आइलैंड थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट इसीलिए डालता है बिकॉज अगर आप इससे पहले 13 से 14 में गए तो आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था, मतलब कि भाई अगर मैं आपको ऐसे दिखा दूं तो आप बता भी नहीं सकते, इवन आप क्या मैं नहीं बता सकता कि ये 13 है या फिर 14। और भाई क्योंकि डिजाइन में अभी भी कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, दोनों बिल्कुल सेम भाई भाई लगते हैं, तो यहाँ पे आपको एक डिफरेंशिएटर मिल जाता है जो कि अगर आप इसके फ्रंट डिस्प्ले में देखते हो और अगर आपको ये डायनामिक आइलैंड दिखाई देता है तब भाई ये एक थोड़ा बहुत शो ऑफ करने की चीज हो जाती है कि हाँ भाई ये iPhone 15 है। इस साल iPhone 15 में एप्पल ने लास्ट ईयर की प्रो सीरीज के बहुत सारे फीचर्स दे दिए हैं। जैसे कि भाई अगर हम इनहैंड फील की भी बात करें तो यहाँ पे आपको मैट बैक मिलता है जो कि सिर्फ पहले प्रो सीरीज में मिलता था, ये डायनामिक आइलैंड हो गया जो कि पहले प्रो सीरीज में मिलता था। और अब अगर इसकी ब्राइटनेस की बात करूं तो भाई इसमें वो सेम ब्राइटनेस मिलती है जो कि iPhone 14 Pro इवन iPhone 15 Pro में भी मिलती है। तो भाई iPhone 13 जा सकता था 1200 nits की ब्राइटनेस तक, ये ऑफर करता है 2000
1000 nits की पीक ब्राइटनेस जो कि डेफिनेटली वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले इन एनी स्मार्टफोन हो जाता है। हाँ अभी पिक्सल वगैरह में थोड़ी और ज्यादा आने लगी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2000 nits काफी ज्यादा इनफ है। अब बात कर लेते हैं कितना परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट मिल रहा है आपको। यहाँ मिलती थी 4GB रैम, यहाँ मिलती है 6GB रैम। ज्यादा रैम के एडवांटेज के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो तो डेफिनेटली आपको मिलता ही है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलती थी A15 बायोनिक चिप, यहाँ मिलती है A16 बायोनिक चिप। और अगर सिर्फ पहले 14 की बात करूं तो वहां पे भी आपको A15 ही मिलती थी, लेकिन यहाँ पे अगर मैं दोनों को हेड टू हेड कंपेयर करूं तो यहाँ पे आपको इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं मिलेगा दोनों ही चिपसेट में। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई एक जनरेशन आगे का चिपसेट डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा फास्टर होता है, बट वो आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप रियलाइज नहीं कर सकते। अगर मैं इस आईफोन 15 के अंदर आपको A14 बायोनिक चिप भी लगा के दे दूं तो भी शायद आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें A14 बायोनिक चिप है, क्योंकि वो जो डिफरेंस रहता है वो इतना ज्यादा माइनर रहता है कि आपको डे टू डे लाइफ में पता भी नहीं चलेगा जब तक आप बहुत सारा कुछ हैवी टास्क नहीं कर लेते इसमें। हमने भी इन दोनों ही फोन में दोनों के गीक बेंच वगैरह टेस्ट किया, जिसके स्कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं बोलूंगा हाँ डेफिनेटली डिफरेंस है, लेकिन कोई ऐसा बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है। जनरेशन वाइज जितना अपग्रेड होना चाहिए डेफिनेटली उतना अपग्रेड आपको इसमें मिलता है। वहीं अगर बात करूं इन दोनों की गेमिंग की, तो भाई गेमिंग में भी आपको डेफिनेटली थोड़ा बहुत ग्राफिक्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको 5-core GPU मिलता है, जिसकी वजह से ओवरऑल हल्का फुल्का आपको एनहांस गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। बाकी मैं बोलूंगा कि भाई 13 भी कहीं से भी कम नहीं है। हालांकि गेमिंग में मुझे एक कंप्लेन है भाई, यहाँ पे क्योंकि आपको 60Hz वाला ही डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी कमी हो जाती है। मतलब आज की डेट में भी अगर 80,000 रुपए लगाने के बाद अगर किसी को 60Hz का डिस्प्ले मिल रहा है तो वो मेरे हिसाब से कंसर्निंग बात हो जाती है। तो भाई क्योंकि इसमें 90Hz का डिस्प्ले है ही नहीं, तो यहाँ पे आपको 90Hz वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा किसी भी गेम के अंदर, आप इसमें 60Hz की गेमिंग ही कर सकते हो। हालांकि अच्छी बात ये कि 60Hz की कंसिस्टेंट गेमिंग प्रोवाइड करता है, लेकिन भाई 90Hz होना चाहिए था इसमें। अगर बात करूं इसके बैटरी इंप्रूवमेंट की, तो यहाँ पे आपको mAh वाइज तो कोई भी ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं मिलेगा, सिर्फ 100mAh ज्यादा बैटरी मिलती है आईफोन 15 में, लेकिन सरप्राइजिंगली इसकी बैटरी को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर दिया गया। मतलब ओवरऑल जो बैटरी कंजप्शन होता है वो इस फोन में काफी कम होता है, जिसकी वजह से आपको 13 के कंपैरिजन में लगभग 45 टू 60 मिनट्स का ज्यादा बैटरी बैकअप मिलेगा एज कम्पेयर टू आईफोन 13। ओवरऑल अगर आप देखो नॉर्मल यूज करते हो तो दोनों ही फोन्स पूरे दिन की आराम से बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेंगे, और अगर आप लगातार हैवी यूसेज करना चाहते हो तब ये बाय चांस 5 से 5.5 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम देता है, तो ये लगभग 6 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम दे देगा। चलो अब करते हैं इनका साउंड टेस्ट। ये है आईफोन 13 का साउंड। ये है आईफोन 15 का साउंड। यहाँ पे अगर इनके साउंड डिफरेंसेस की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आईफोन 15 का जो साउंड है स्लाइटली इंक्रीज कर दिया गया है, ऑल्सो यहाँ पे ज्यादा बेसियर साउंड मिल रहा है एज कम्पेयर टू आईफोन 13। चलो बात करते हैं इनके कैमरा अपग्रेड्स की, और भाई कैमराज में आपको काफी बड़े अपग्रेड मिल रहे हैं। भाई यहाँ पे आपको 12 MP के दो लेंसेज मिलते थे, यहाँ पे आपको 48 MP का प्राइमरी और 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। इस वाले लेंस को लास्ट ईयर के आईफोन 14 प्रो से निकाल के आईफोन 15 में दिया गया है, जिससे आप 48 MP तक की रॉ इमेज को क्लिक कर सकते हो। इससे पहले ऑप्शन सिर्फ प्रो सीरीज में मिलता था, लेकिन अब आप इसमें भी रॉ में क्लिक कर सकते हो। हाँ प्रोरेस का ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी 48 MP की हाई रेजोल्यूशन फोटो क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा 48 MP का एक और एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे आपको एडिशनल लेंस मिल जाता है 2x वाला, इससे पहले सिर्फ आपको 0.5 और 1x का मिलता था। बेसिकली ये 48 MP की इमेज को क्रॉप करके 12 MP की हाई रेजोल्यूशन जूम्ड इमेज प्रोवाइड करता है, जो कि मेरे हिसाब से काफी बड़ा एडवांटेज हो जाता है। ये सेम चीज पोर्ट्रेट, सिनेमैटिक मोड और वीडियोस के लिए भी काम करती है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसके अलावा अगर फोटोज वीडियोस की बात करूं तो भाई डेफिनेटली इंप्रूव्ड आपको फोटोज मिल रहे हैं, बहुत ही इंप्रूव्ड HDR फोटोज मिल रहे हैं, कलर एक्यूरेसी को काफी इंप्रूव कर दिया गया है, और भाई डिटेल्स की तो बात ही मत पूछो, नेक्स्ट लेवल डिटेल्स आती हैं आईफोन 15 में। स्पेशली HDR को इतने खतरनाक तरीके से इंप्रूव किया गया है कि भाई ओवरऑल इमेजेस का जो आउटपुट होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। इसके अलावा वीडियोस में भी आपको डिफरेंसेस मिल जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको इनका वीडियो कंपैरिजन दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके दोनों में किस लेवल का आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये हैं दोनों का कैमरा सैंपल्स, यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में है आईफोन 15, मेरे राइट साइड पे है आईफोन 13, तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस लेवल का आउटपुट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करूं कुछ अदर फीचर्स की, तो भाई यहाँ पे आपको क्रैश डिटेक्शन मिल जाता है। बाय चांस अगर आप कार एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हो और आपका फोन आपके जेब में है, भाई ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट कर लेता है। इसके अलावा सैटेलाइट SOS वाला फीचर मिल जाता है इस फोन के अंदर, जो कि 13 में नहीं है। साथ ही इसमें आपको U2 चिप मिल जाती है, यानी कि इस फोन को अब आप और भी ज्यादा एक्यूरेटली ट्रैक कर सकते हो एज कम्पेयर टू U1, तो ये थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर फोन हो जाता है। इसके अलावा भाई टाइप सी के एडवांटेज मैं पहले ही बता चुका हूं। तो भाई चलो बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो भाई डिजाइन में तो आपको ऐसा कोई चेंज नहीं मिल रहा है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली काफी
प्रीमियम मिल रही है, ये नया डायनामिक आइलैंड मिल रहा है जो कि भाई एक नेक्स्ट अपग्रेड वाली फील प्रोवाइड करता है। टाइप सी पोर्ट की यूटिलिटी मिल रही है, 48 मेगापिक्सल का लेंस मिल रहा है, A16 बायोनिक चिप मिल रही है। तो भाई ओवरऑल अगर अपडेट्स देखिए तो आपको नेक्स्ट लेवल अपग्रेड्स मिल रहे हैं 13 के मुकाबले 15 में। हर एक एलिमेंट में आपको काफी अच्छा अपग्रेड मिल रहा है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली ये बहुत अच्छा अपग्रेड हो जाता है अगर आप 13 से 15 में आते हो तो। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये भी आती है, अगर आप एक साल और वेट कर सकते हो, अगर आपको आईफोन 13 कहीं से भी दिक्कत नहीं कर रहा, जो कि मेरे हिसाब से नहीं कर रहा होगा क्योंकि भाई इसमें इंप्रूवमेंट जरूर से है, लेकिन अगर आप अपग्रेड करना ही चाहते हो तो बहुत सोच समझ के करना। बिकॉज देखो डेफिनेटली यहाँ पे कैमराज इंप्रूव्ड है, लेकिन क्या वो इंप्रूवमेंट आपके काम के हैं? इनहैंड फील इंप्रूव्ड है, लेकिन भाई अगर इसको कवर के साथ यूज करना है तो फिर इस इनहैंड फील का फायदा ही क्या? डायनामिक आइलैंड है, लेकिन सच बता रहा हूँ 2-3 दिन फर्क पड़ेगा, 4-5 दिनों के बाद ये है कि नहीं इसका आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से अगर इस फोन में अपग्रेड आपको करना ही है तो भाई सोच समझ के करना, और अगर करना ही है तो नेक्स्ट ईयर की बिग बिलियन डे सेल में ले सकते हो, बिकॉज तब ये आपको बहुत ही कमाल की प्राइस में मिलेगा, अराउंड 50,000 के आसपास। और भाई मुझे लगता है कि उस समय ये वन ऑफ द बेस्ट फोन होगा क्योंकि आपको 50,000 के आसपास अवेलेबल होगा। तो मेरा रिकमेंडेशन होगा अगर 13 यूज कर रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है तो इसी को यूज करो, नेक्स्ट ईयर अपग्रेड कर सकते हो। और बाई चांस अगर आपके पास बजट का इशू नहीं है तब भाई आपके पास आईफोन 16 का भी ऑप्शन अवेलेबल होगा, क्या पता उसमें 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी आ जाए। तो गाइस ये था हमारा वीडियो, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर करना यार, तुम लोग लाइक नहीं करते हो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन वगैरह भी दबा देना ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं बताऊँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।